जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ महाशिवरात्रि भगवान शिव की ये पांच बातें दिलाएंगी आपको सफलता। कहा जाता है कि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं। स्कंद पुराण की माने तो फागुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव पूजन, जागरण और उपवास करने वाले की पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रि में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। इस पावन अवसर पर हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव की कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने देवी पार्वती से कही थी। भगवान शंकर ने बताया है कि हमेशा सत्य का साथ देना और सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, वहीं झूठ बोलना और असत्य का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए हमें इन हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्लोक: आत्म साक्षी भवे नित्य मात्म मनु स्तु शुभा शुभे। मनुष्य को हर काम खुद से करना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह काम अच्छा है या बुरा है या फिर छोटा है या बड़ा, क्योंकि मनुष्य के सभी कर्मों का लेखा जोखा ऊपर वाला करता है। श्लोक: दोष दर्शी भवे तत्र यंत्र सेहा पर्वतते अनिष्ठे ना विंतम पश्चेत यथा शिप्रम विरजते। किसी व्यक्ति या किसी विशेष परिस्थिति अगर सफलता में रुकावट डाल रही हो तो उसमें फौरन कमियां निकालनी चाहिए। कहा जाता है कि ये लगाव और मोह आपकी जिंदगी से जाने के बाद आप सिर्फ सफलता प्राप्त करेंगे। श्लोक: नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान कमान परित्यज ब्रह्म भूयाय कल्पते। मनुष्य की असीम इच्छाएं ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर इन इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो जीवन में सुख ही सुख है। इसीलिए अपनी जरूरतों और इच्छाओं में से जरूरतों का ही ध्यान रखना चाहिए और इच्छाओं पर काबू कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।